नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंशराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। लेवल 6 है, 1275 वैकेंसी निकली है। कहाँ से वैकेंसी निकली है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सब डिटेल पे बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो बात करते हैं इस पर। इन पदों की हेतु प्रत्येक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 जारी किया गया। आवेदन भरने की दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगा। ये देख सकते हैं आप डेट, तो 5 अक्टूबर से इसकी डेट स्टार्ट होगी फॉरम की। तो कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। तो ये देख सकते हैं इसमें नियुक्ति के लिए प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और विज्ञापन संख्या जारी की गई है। 5/10 की फॉरम डेट है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके, देख सकते हो। आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। और आवेदन की पात्रता इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों आवेदन कर सकते हैं इसमें। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 तक इसको मान्यता रखी जाएगी। उम्र रखी गई है 1/8/2023 के आधार पर इसकी उम्र की जनगणना की जाएगी। तो इसकी उम्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/8/2023 मैट्रिक और समक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसकी आयु सीमा की बात करते हैं इसमें, देख सकते हो। जनरल के लिए इसमें 20 साल से लेकर 37 साल तक और महिलाओं के लिए 40 साल तक रखा गया है। इसमें बात करते हैं पिछड़े वर्ग और पिछड़ा EWS, तो इसमें 20 साल से लेकर 40 साल तक रखा गया। ST/SC की बात करते हैं 20 साल से 42 साल तक रखा गया है इसमें। बिहार के सरकारी सेवकों की उच्च वेतन सेवाओं में जाने वाले प्रत्येक परीक्षाओं के भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी है। जैसे कोई ओनली स्टाफ लिया है वही, तो और सैनिक और असैनिकों के लिए भी इनमें छूट दे रखी है 3 साल की। बात करते हैं अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड की। तो मापदंड की बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ऊंचाई को देख सकते हैं। इसमें पुरुष की 165 सेंटीमीटर रखी गई है जनरल के लिए, और AWS के लिए 160 सेंटीमीटर और ST/SC के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। बात करते हैं महिलाओं के लिए 155 सेमी तक, और सीने की बात करते हैं तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 इसमें 6 सेमी फुलाना होना होगा, मतलब 81 से 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, तो 86 होगा फुलाने के बाद। बात करते हैं पुरुष फुलाने के बाद सीमा में 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए जो 81 से 86 के बीच। बात करते हैं अनुसूचित जाति और ST/SC मतलब बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर की छूट है इसमें। ऐसे सीमा से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है फुलाने के बाद, मतलब जैसे 81 है तो 86 होना चाहिए, 79 है तो 84 होना चाहिए फुलाने के बाद। महिलाओं की सीमा की मापनी होगी। बात करते हैं वजन की, तो 48 किलो इसमें न्यूनतम होना चाहिए। और देख सकते नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित होगी, पहले परीक्षा होगी। प्रारंभ परीक्षा पहले चरण में 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की अवधि मानी जाएगी। इसमें 30% अंक लाना जरूरी है परीक्षा के लिए। इसमें 20 गुणा प्री में पास किए जाएंगे। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो इसके अंदर भी वही है सिस्टम। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, वही 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 30% अंक लाना जरूरी है मैन में भी। यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं इसका, इसके अंदर देख सकते हो आप सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मैथ, मानसिक मतलब रीजनिंग, और द्वितीय प्रश्न पत्र में वही जो क्वेश्चन है 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम होगा इसमें। दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर वही 0.2 मतलब अंक काटे जाएंगे इसमें, 1/2 और मतलब 0.2 मतलब 1/4। बात करते हैं मुख्य परीक्षा, इसमें 6 गुणा के लिए चयन किया जाएगा। उसके बाद उसकी शारीरिक दक्षता की जाएगी फिजिकल, और तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षण किया जाएगा। इसके अंदर दौड़ देख सकते हो, दौड़ होनी चाहिए इसमें, 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें पुरुषों के लिए। बात करते हैं महिलाओं के लिए, 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा दौड़ के लिए। देख सकते हो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, पुरुषों के लिए 1600 मीटर, टाइम इसमें 6.5 मिनट का पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 6 मिनट का 1 किलोमीटर का। बात करते हैं ऊंची कूद की, जिसके अंदर सभी महिला 4 फीट की ऊंची कूद होनी चाहिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 फीट की। लंबी कूद की बात करते हैं, तो इसमें पुरुषों के लिए 12 फीट होना चाहिए
और महिलाओं के 9 फीट। अगर 9 फीट से कम होती है महिलाओं की कूद लंबाई मतलब तो वो असफल माना जाएगा। इसमें बात करते हैं फोर्थ की, गोला फेंक भी माना गया इसमें। गोला फेंक के अंदर पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होना चाहिए और 16 पाउंड के गोले को फेंकना होगा कम से कम 16 फीट। और बात करते हैं पुरुषों की और महिलाओं की, तो 12 पाउंड का होना चाहिए और 10 फीट फेंकना होगा उसको। अगर 10 फीट से कम रहता है तो असफल माना जाएगा उसका। बात करते किन्नर, उनके लिए भी वही मापदंड रखा गया जो पुरुषों और महिलाओं के लिए रखा गया। इसमें देख सकते हो इस वैकेंसी इस प्रकार से आरक्षित कर रखी है, महिलाओं के लिए 35%, तो जैसे अनुसूचित जाति की 275 तो 35% के साथ 66 पोस्ट हो गई। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं पूरे अगर एक एक टॉपिक बताऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आरक्षण की बात करते हैं, बिहार पद सेवा में रिक्त में आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय पर यथा संशोधन के प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू किया जाता है। तो महिलाओं के लिए प्रावधान ये देख सकते टॉपिक है, इसमें 35% आरक्षण का लिख रखा है। और जैसे कोई सैनिक है बिहार का तो उनके लिए छूट दे रखी है अलग से 2% की। जैसे कोई पोता पोती नाती है उनका बिहार का होना चाहिए हो, जो ऑलरेडी सेवा में काम कर रखा हो। उसी प्रकार किन्नर के लिए भी इन्होंने छूट दे रखी है। कट ऑफ तिथि की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2023 तक सभी को माना जाएगा भूतपूर्व सैनिक, अपनी योग्यता ये सब डेट ऑफ बर्थ ये सब 1 अगस्त 2023 से पहले का होना चाहिए, यहाँ तक लागू होगा। नियुक्ति प्राधिकार बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक का पत्र द्वारा सूचना इसके प्रकार होगा, तो 20/9/2023 तक। बात करते हैं मेडिकल की, मेडिकल के अंदर देख सकते हो फिटनेस होना चाहिए सही। आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसकी वेबसाइट आप देख सकते हो, 5/10/2000 से आवेदन इसके स्टार्ट होंगे। बात करते हैं इसकी वेबसाइट का, तो bpssc.bih.nic.in इसकी वेबसाइट है ये। इस पर क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आवेदन करना है। बात करते हैं आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवश्यक निर्देश। इसको भली बात थी कि इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए और कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाती तो आवेदन रद्द माना जाएगा, तो सही तरीके से फॉर्म को भरना है कि वेबसाइट पे जाके। इसमें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी और देख सकते हैं इसमें जो भी फॉर्म भरो उसको ढंग से एक बार देख लेना, उसके बाद सबमिट करना इसको। और कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। लास्ट में बात करते हैं इसकी वेबसाइट के, तो bpssc.bih.nic वेबसाइट है। इस प्रकार का इंटरफेस वेबसाइट का देख सकते हैं, यहाँ से ये ऐसी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये देख सकते हो ये नहीं तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंदर पुलिस अवसर निरीक्षक के रिक्त पद हेतु सूचना होती है, ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको पढ़ लीजिए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए यहाँ से। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। अभी इन्होंने लिंक जारी नहीं किया है क्योंकि लिंक जारी जब होगा ना जो 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो अभी फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 तारीख से, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ से, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।